ओके डॉक्टर कृष्णा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। यहाँ उपस्थित सारे साथियों को नमस्कार। मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा चौधरी है और मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो अर्निंग शुरू हुई है वो अर्निंग जर्नी में सिर्फ बताना चाहता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक सर का, यहाँ उपस्थित सारे गुरुओं का, पीपी सर का, जिन्होंने जिन जिनको सीख करके मैंने ये आगे की जर्नी को स्टार्ट किया और सक्सेस अचीव किया है। धन्यवाद करना चाहूंगा ओशीरो जी का, जिन्होंने एक कंप्लीट पैकेज तैयार किया जो लोगों को गरीब से अमीर की ओर ले जा सकता है। मेरी जो जर्नी शुरुआत होती है 2006 से, जब मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मैं अब खर्चा नहीं दूंगा, तुम वापस घर आ जाओ। मैं पटना में मेडिकल का प्रिपरेशन किया करता था, तो मैंने सिर्फ एक मंथ का खर्चा अपनी सिस्टर से लिया था और उसी मंथ मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब एरिस्टो फार्मास्यूटिकल में पुणे में ज्वाइन कर लिया था, और वहां से मेरी अर्निंग जर्नी शुरू हुई। 2010 में मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेगूसराय में आया और 2013 तक मैं यहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही रहा, और जॉब करते करते थक चुका था तो बिजनेस के लिए मैंने 2013 में जॉब को रिजाइन मार करके तो बिजनेस में उतरा, और एक फ्रेंचाइजी कंपनी मेडिसिन का ही लेकर के यशोधरा फार्मा के नाम से होलसेल रिटेल और कंपनी को भी चला रहा, फ्रेंचाइजी कंपनी को चला रहा था। बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी क्योंकि पहली बार बिजनेस में मैं उतरा था। इसी दौरान 2015-16 में मुझे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से कंसल्ट हो गया और मैं उनके जरिए संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथ में नेचुरोपैथी ट्रेनिंग सीखने को मौका मिला, और वहां से मैं प्रैक्टिस लाइन में उतर गया और मैं बेगूसराय में अपने जॉब अपने बिजनेस को छोड़ करके प्रैक्टिस कर रहा था। और इसी प्रैक्टिस के दौरान मुझे प्रकाश जी से मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात प्रकाश जी से हुई, जिन्होंने मुझे कैंगन वाटर के बारे में बताया। इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को जानने के लिए 2018 में मेरे पास एक आदमी आए थे, जिन्होंने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, और पहली बार जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना उस दिन, तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कम लागत में एक बड़ा इनकम जनरेट कर सकता हूँ और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं 2018 से ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम करने लगा, और मैंने अपना जो बिजनेस था मेडिसिन का उसको भी छोड़ दिया, दूसरे को दे दिया। मेरे एक बहनोई थे, उनको दे दिया। धीरे धीरे उसमें मैं अच्छा कर ही रहा था कि प्रकाश जी से मुलाकात हुई बकरी में। उन्होंने मुझे इनेजिक का जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, किंगन वाटर का जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, तो मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में और इनेजिक जैसी कंपनी के साथ में अगर काम किया जाए, इसके मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद, तो संभव है कि वो चीज अचीव किया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि वहां क्या था कि हर महीने सेल एक्सपायर होता था, यहाँ सेल कंटिन्यू रहता है, एक्यूमुलेट होता है। दूसरा क्या होता है कि आप सैंपलिंग फ्री कर सकते हैं, वहां सैंपलिंग नहीं कर सकते फ्री में, यहाँ सैंपलिंग आप फ्री कर सकते हैं, जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे भी बहुत महंगा लगा था प्रोडक्ट, और मैं इस और ध्यान नहीं दिया। करीब एक आध सप्ताह के बाद, ये समय था 2020 का, एक आध सप्ताह के बाद जब प्रकाश जी ने मुझसे कहा कि चलिए कुछ डेमो कराते हैं, तो चूंकि मेरा एक्सपीरियंस चिकित्सा में था, तो मैंने कई लोगों को डायबिटीज से रिकवर होने का मैंने किया था, कि उन लोगों को डाइट थेरेपी से मैंने उनका डायबिटीज रिवर्स किया था, तो वो एक फेथ मेरे ऊपर था। तो मैं मुजफ्फरपुर पहुंचा, मैं और प्रकाश जी, मेरे एक पेशेंट के पास, डॉक्टर शौकत अली की माँ बीमार रहती थी, तो उनके पास जब मैं पहुंचा, जब उनको मैंने हम लोगों ने डेमो दिखाया, प्रकाश जी ने ही डेमो दिखाया था, तो वो SD501 मॉडल लेने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने अपने साले को भी फोन करवाया मुझसे ही कि कुछ हेल्प हो जाए तो मैं SD501 मॉडल ले लूं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर बात हो ही रही थी, फिर
फिर हम लोग वहां से निकल गए। निकलने के बाद जब दलसिंहसराय हम पहुंचे तो वापस फोन आता है कि आप लोग कहाँ चले गए। तो मैंने कहा कि सर हम लोग निकल लिए। बोले अरे हम तो पैसा लेने के लिए गए थे, 1,57,000 रुपया वो कैश हाथ में रखे हुए थे कि आप ले जाइए और फिलहाल मुझे ये मशीन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग वापस जाकर के मुजफ्फरपुर, वो लॉकडाउन में हर चेक पोस्ट पर चेक होती थी, तो वहां यही मैं कहता था कि डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ, पेशेंट के डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ। तो उस लॉकडाउन के दौरान मैंने पहला मशीन जब सेल किया तो मुझे उस दिन यकीन हो गया कि नहीं ये मशीन महंगी नहीं है, लेने वाले लोग जरूर लेंगे इस मशीन को। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। उन्होंने कैश दिया था तो चूंकि मैंने अपने ही अकाउंट में डाल करके जब कंपनी को भेजा तो कंपनी ने मेरे मेरे आईडी को टकोरी लगाने से मना कर दिया, क्योंकि आपने सेम अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं तो आपकी टकोरी नहीं लगेगी। फिर मैंने अपनी मैडम की टकोरी लगाई, यशोधरा नाम है, और वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। मैं प्रकाश जी के साथ काम करने लगा और इसी दौरान खगड़िया के संतोष जी हैं, संतोष कुमार सिंह, जिनको मैंने लाया, वो बिजनेसमैन है, और वो आने के बाद प्रकाश जी और संतोष जी बहुत काम किए इसमें। मैं थोड़ा सा भटक गया था क्योंकि मुझे मशीन चाहिए था और डेमोन्स्ट्रेशन करना था, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रकाश जी ने मुझे हेल्प किया, बैग्स, लैपटॉप, ओआरपी मीटर उन्होंने ही मुझे खरीद करके दिया था कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करिए। मैंने 3-4 डेमो के बाद खुद से डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। फिर राजेश जी से मैं पानी लिया करता था, तो 3-4 बोतल पानी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजेश जी का, जिन्होंने हर बार जब भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पानी लेने के लिए जाता था तो उनसे बात होती थी, मुलाकात होती थी, और कैसे काम करना चाहिए इसके ऊपर भी बातें होती थी। 3-4 बोतल जब मैं वहां से लेके आता था और डेमोन्स्ट्रेशन करता था तो मुझे दिखना भी था कि मैं पानी पी रहा हूँ, ताकि सामने वाला को ये नहीं हो कि आप मशीन नहीं लगाए हैं। तो मैं उसमें से कुछ पानी बचा के लाता था और सुबह सुबह स्मूदी बनाता था कद्दू का, उसमें मिक्स करके मैं पीता था ताकि मेरे चेहरे पे पानी का असर दिखे। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट कर रहा था, धीरे धीरे मशीन लग रही थी। लगने के साथ साथ बीच में एक ब्रेक आया मेरे में कि मैं मशीन खरीदने के चक्कर में एक कॉइन कॉन्सेप्ट में चला गया। एक 1.5 साल मेरा समय वहां बर्बाद हो गया। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके मैं मशीन खरीद लूंगा, फिर बढ़िया से काम करूंगा। मेरे पास कार भी नहीं था तो स्कूटी से ही मैं काम किया करता था। तो 1-1.5 साल उधर काम करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। तो वापस मैं अपने फादर से बात किया और फादर के पेंशनर लोन से 1.5 लाख रुपया मैंने पेंशनर लोन लिया, और बाकी कुछ अपना लगा करके, और बाकी कंपनी में तब तक 26 मशीन मेरा सेल हो चुका था संतोष जी प्रकाश जी की मदद से। तो वहां से जो भी अमाउंट बचा था उसमें ऐड करके मैंने मशीन 21 नवंबर 2021 को मशीन मेरा आ गया, और उसके बाद से मेरी जर्नी की स्पीड बढ़ी। फिर मेरे टीम में साकेत जी हैं, जब उनको डेमोस्ट्रेशन दिखाया था साल और पहले ही दिखाया था तो वो प्लानिंग कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने मशीन लिया जनवरी 2022 को, जिसमें 4A लाइन मेरा खुला और वहां से मेरी जर्नी काफी स्पीड चली और मैं वहां से बढ़ते बढ़ते आज मैं 6A हो चुका हूँ। मैंने कार लिया, जिस कार लेने के बाद और भी स्पीड हुआ क्योंकि ये दुर्गा पूजा में मैंने कार लिया था और अभी तक मैं 15,000 किलोमीटर गाड़ी को चला चुका हूँ, जिसके कारण इस 6A में फास्ट जर्नी रहा। 6A बनने में धन्यवाद करता हूँ मैं अपने टीम का, साकेत जी का, विजय जी का, हरिशंकर जी का, संतोष जी का, जिनके सेल से मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला और मैं आज 6A बन चुका हूँ। थैंक यू सो मच। 6A2 कब तक कर जाएंगे? 6A2 मेरा 2 ही लाइन है सर, और एक एक लाइन मेरा 60 से ऊपर सेल है और एक लाइन मेरा 35 से ज्यादा सेल है, ग्रेट और ज्यादा मैंने फ्रंट खोला नहीं है,
दो टीम पे काम कर रहा हूँ। जिंदगी में एक ही बार सिक्स से बनना होता है, उसके बाद तो सिक्स से बनाना होता है सर। तो अब सिक्स से बनाना है और बहुत जल्दी इसी साल मैं सिक्स से टू भी बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि जी डॉक्टर होने का आपको कितना एडवांटेज मिला इसके अंदर? सर। डॉक्टर होने का एडवांटेज ये मिला कि मैं जो भी डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 साल के अंदर इसने मशीन नहीं लिया तो इसके परिवार में कोई बचेगा नहीं, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी। तो उस हिसाब से जब मैं उनको बताता हूँ तो उनको ये समझ में आता है कि नहीं, मशीन लगानी चाहिए। और फिलहाल पैसा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट में लग जाते हैं कि नहीं, ये मशीन लगाना ही है। ये एक बेनिफिट मुझे डॉक्टर होने से ये फायदा मिला। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि जो जिस तरह से मैं काम करता हूं उस तरह से मेरा टीम काम नहीं कर सकता है। तो वो एक डर रहता है कि मेरे जैसा काम तो टीम नहीं कर सकता, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। डॉक्टर होना जरूरी है क्या सर सिक्से बनने के लिए? जी सर। डॉक्टर होना जरूरी है क्या सर सिक्से बनने के नहीं लिए? नहीं डॉक्टर होना जरूरी नहीं। मैं अपनी टीम को कहता हूँ, जब भी मेरे टीम मुझे कहते हैं कि सर आप तो डॉक्टर हैं, आसानी से मशीन सेल कर लेते हैं, लोगों को समझा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे जो गुरु है प्रकाश जी, वो कौन सा डॉक्टर है? वो आज 300-400 मशीन सेल कर चुके हैं, उनकी टीम में लग चुकी है, तो वो कौन सा डॉक्टर है? तो ये बेनिफिट मिल जाता है उनकी तरफ से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कृष्णा, मेरा ना एक क्वेश्चन है आपसे। मनोज जी सर। भाई, मेरी ये जो टीम है ना, बहुत एथिकल टीम है, बहुत एथिकल टीम है प्रकाश जी की टोटल टीम, और 1 रुपए का कभी लोगों ने डिस्काउंट नहीं किया है, और किसी भी तरह का रॉन्ग सेलिंग, रॉन्ग प्रॉमिस नहीं है, इसलिए टीम अच्छा ग्रो कर रही है। तो डॉक्टर कृष्णा, मेरा आपसे एक सवाल है। जी सर। आज भी हम लोग एक नया टीम भी स्टार्ट किया हम रोहतक में, तो अभी नए नए हैं वो, तो उनके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसका जी आंसर आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ ताकि सबके लिए फायदा हो जाए। जैसे जब हम लोग डेमो दे के आते हैं, तो कई बार जो होशियार लोग होते हैं वो गूगल पे जाते हैं, और गूगल पे उनको चैलसन के वाई के कैंट उल्टे सीधे बहुत सारे एवेनाइजर्स दिख जाते हैं, कुछ सस्ते वाले भी होते हैं, ठीक है ना? सर। जी सर। तो उस इस तरह का आया होगा आपके सामने भी कई बार, तो ये सर। उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर एक्चुअली मैं जब मशीन का जब दाम बताता हूँ, उस समय मैं उन लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट में 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का मशीन अवेलेबल है इसी तरह का। ऐसा नहीं है कि आप इनर्जी का ही मशीन ले सकते हैं, मशीन आप वो भी ले सकते हैं, वो भी एक आयोनाइजर है और वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी। लेकिन अगर लॉन्ग लाइफ के लिए आप मशीन लेना चाहते हैं, ब्रांडेड लेना चाहते हैं, अगर आप ब्रांड में विश्वास करते हैं तो इनर्जी का लीजिए। मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरी मशीन पहले दिन जैसा पानी दिया था आज भी वैसा ही पानी दे रहा है, क्योंकि इसमें एक एक सिस्टम है, ई क्लीनिंग सिस्टम, जो कि किसी भी मशीन में नहीं है, जिसके कारण उनकी मशीन 6 महीना साल भर में खराब हो जाती है। उसके बाद ऑनलाइन में अगर कोई कहते हैं कि ऑनलाइन बहुत सस्ता मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि कंपनी कभी ये ऑनलाइन नहीं करती। अगर ऑनलाइन लेना है तो कंपनी के वेबसाइट से लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट कंपनी से मशीन जो मिलती है उसकी डुप्लीकेटिंग होने का चांसेस है ही नहीं। और अगर किसी और प्लेटफॉर्म से अगर ये खरीदते हैं तो मे भी हो सकता है कि कवर उसका सेम हो लेकिन अंदर कुछ और भी हो। अब चूंकि इसके अंदर मेडिकल ग्रेड का धातु लगा हुआ है, तो हो सकता है वो धातु भी चेंज हो। आप जो भी गोल्ड ज्वेलरी जो भी लेते हैं, क्या ऑनलाइन कभी आपने लिया है? आप ट्रस्ट करते हैं जिस दुकानदार से, जिसको ट्रस्ट करते हैं आप वहीं से लेते हैं। तो मैं आपके सामने हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, साल भर पानी पीजिए। अगर आपको फायदा नजर नहीं आया तो आप मशीन भी आप रखिएगा, पैसा मैं इंटरेस्ट सहित दे जाऊंगा वापस। बहुत बढ़िया। और कुछ लोग अगर उनको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं तब क्या करते हैं? डिस्काउंट जो ऑफर करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि देखिए एक्चुअली में कोई भी मार्केट में जो चीज ट्रेडिशनल है उसमें डिस्काउंट दे करके लोग मशीन सेल करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि कंपनी बल्क में मशीन बनाती नहीं है, इसलिए कंपनी कभी डिस्काउंट नहीं करती है। कंपनी भी कहती है कि जिनको ये मशीन लेना होगा वो लेंगे, वो पैसा नहीं देखेंगे। तो आज अगर आप अगर डिस्काउंट मांगते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप ये मशीन नहीं लेना चाहते।
क्योंकि इसमें देखिए अगर इसके ऊपर जो भी कमीशन 1,04,000 है वो 8 लोगों को जाती है, वो 8 लोगों को कंपनी इसलिए देती है कि वो 8 लोग मिलकर के आपके मशीन का केयर करेंगे 30 साल। और अगर 13,000 एक आदमी को 30 साल के लिए मिलता है आपके मशीन को केयर करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितना पैसा मिला। क्या लगता है कि वो आपको 4 व्हीलर से आपके घर तक आकर के मशीन का केयर करेगा 13,000 में? आप करेंगे क्या? तो कहता है नहीं, तो फिर डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता सर। चलिए बहुत बढ़िया प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग सर। कृष्णा जी एक ग्रेट लीडर है हमारे टीम में और मेरे सबसे फेवरेट लीडर है रहे हैं। शुरुआत इनकी जब हुई थी ठकुरा आईडी से, उस टाइम कुछ सेल इन्होंने जरूर हम लोगों के साथ मिलकर किया। बाद में कुछ थोड़ा बहुत ये भटके भी कॉइन वाइन कॉइन कंपनी के साथ, लेकिन जब इन्होंने दोबारा रिबैक किया कैंगन में, जब दोबारा ये आए तब इनकी स्पीड, इनका कन्वर्जन, जब इन्होंने मशीन लिया और मशीन लेने के बाद आज तक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है विदाउट किसी हेल्प के। और आज ये इन्होंने अचीव किया 6A, और इस 6A से पहले भी इनका स्पीड काफी अच्छा रहा कन्वर्जन का, और विदाउट कोई सपोर्ट जब दोबारा इन्होंने ये आए इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सपोर्ट इन्होंने अब तक लिया। तो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर चीफ ऑफ, थैंक यू सर, डॉक्टर थैंक यू। जो बोलते हैं उस तरीके से इन्होंने एकदम काम किया। और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर कृष्णा को कि इनका अगला रैंक भी जल्दी से जल्दी।